नंबर 20 हेलो माजरा है और ये देख लो स्थिति, ये स्थिति है यहाँ का। और यहाँ बीजेपी का सरकार और बीजेपी का पार्षद ये काम किया और देख सकते हो आप क्या स्थिति है। मैं डोर टू डोर प्रचार कर रहा हूँ लेकिन आज वार्ड नंबर 20 की स्थिति ऐसी दिख रही है जैसे यहाँ कोई लोग ही नहीं रहा हो। जल समस्या सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग, भाई हमारे हैं, एक घंटे तक हो जाएगा भाई जी बोला है। अगर आज ही अगर ये नर्क जैसी हाल रही तो कितने दिन तक लोग चलेंगे। नमस्कार, मैं भवनी चौधरी और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। आप सभी को पता ही होगा चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, सभी पार्टियां अपना कैंपेन में जुटी हुई हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जहां चंडीगढ़ नगर निगम में पहले 26 वार्ड आया करते थे तो अब वार्डों की संख्या बढ़ाकर 35 कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 20 में, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आप पार्टी के उम्मीदवार राजेश चौधरी जी से, उनका क्या कुछ कहना है और किन किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में उतरे हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपको आप पार्टी की ओर से टिकट मिला है। थैंक यू, धन्यवाद। सर आप किन किन मुद्दों को लेकर इस बार मैदान में उतरे? वार्ड नंबर 20 में तो मुद्दे गिनाओ तो बहुत मुद्दे हैं जी, मुद्दे की कमी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कूड़े कचरे की सबसे ज़्यादा समस्या है जो लोगों के लिए बहुत परेशानी की बात है। मैं तो कह रहा हूँ इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है कूड़े से, जो कि मैं आज डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, इसमें लगता है हमें यहाँ कचरा ही कचरा दिखता है। दूसरी दिक्कत आ रही है यहाँ के पानी की समस्या की, लोगों को पानी की समस्या की है और पानी की बहुत ज़्यादा ही बिल है। तो आज जैसे हमारे पहली गारंटी ही हमारे थे जो पानी के बिल के लिए हर परिवार के 20,000 लीटर पानी सभी को निःशुल्क दिया जाएगा, हमें दिल्ली से जो आदेश आता है हम लोग उस चीज़ के लिए लगे रहते हैं। बीजेपी के जो पूर्व काउंसलर थे यहाँ से, उन्होंने क्या कार्य नहीं कराए हैं, आप उनके कार्य से सहमत हैं? ये तो मैं बताऊं तो और ठीक नहीं है, यहाँ के जनता ही बता देंगे, लेकिन कार्य किया ही किया मैं। रोड लोग के डोर टू डोर में रोड कहीं कहीं जिसके उनके अपने चाहते लोग थे वहाँ पे टाइल लग चुका है, जहाँ नॉर्मल आदमी थे वहाँ पे कोई टाइल नहीं लगा हुआ है। लोग बहुत परेशान है, लोग नर्क जैसे ज़िंदगी यहाँ पर जी रहा है। तो इसीलिए लोग को मन में है जो इस बार बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर झाड़ू लगाना। अगर देखा जाए तो आप जीत जाते हैं, आप सत्ता में आ जाते हैं तो आप सबसे पहले किन किन कार्यों को प्राथमिकताएं देंगे? मैम पहले ही बताया, सबसे पहले तो मैं यहाँ के पानी का समस्या का काम करूँगा और कूड़े कचरे की जो आज भी आप पीछे देख सकते हैं क्या ढेर है, क्या स्थिति है इसकी, जैसे जंगल जहाँ जंगल ही जंगल दिख रहा है, इस समस्या को दूर कराऊँगा सब। और चंडीगढ़ पढ़े लिखे के शहर माना जाता है, चंडीगढ़ पढ़े लिखे की शहर माना जाता है, जहां आज के डेट में भी चंडीगढ़ में टीने का स्कूल है। शर्म आता है जो मैं इस वार्ड से लड़ रहा हूं क्योंकि मैं इसी वार्ड का हूं, तो मुझे खुद ही शर्म आ रहा है जो आज चंडीगढ़ पढ़े लिखे शहर में और ट्राई सिटी चंडीगढ़ के अंदर टीने का स्कूल है। कहीं उत्तर प्रदेश बिहार में भी हम आप जाते हैं तो कहीं मुझे आज तक टीने का स्कूल नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे इस वार्ड में टीने का स्कूल है। यही कोई सेक्टर होता तो बढ़िया स्कूल होता, लेकिन यहाँ का लोग किराए पर लोग रह रहे हैं, किराएदार हैं, तो आज उनके बच्चों के लिए बीजेपी कांग्रेस कभी सोचा ही नहीं और इसीलिए टीने का स्कूल यहाँ लगा हुआ है। और सबसे पहले अगर मैं यहाँ का काउंसलर बनता हूँ तो उस स्कूल के लिए करूँगा, जिस बच्चे में हमारे टीने के स्कूल में पढ़ रहा है उस टीचर को भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना टाइम देकर हमारे बच्चे को टीने के स्कूल में पढ़ाता है उस तपती धूप ठंड बरसात में। तो क्या किया कार्य, कुछ कार्य बीजेपी करानी है और कांग्रेस तो पता ही है 70 साल में आज तक कुछ करा ही नहीं। जो और मैं एक और बात बताता हूँ, जो मेरे भाई कुछ उम्मीदवार कांग्रेस हाँ बीजेपी से नाराज़ होकर इलेक्शन लड़ रहा है, जब वो बीजेपी में था जब उनकी सरकार थी तो अपने गली नहीं बना पाया तो आगे काम क्या कराएंगे। जनता का कहना है कि जब इलेक्शन पास में आते हैं तो हर पार्टी के उम्मीदवार आते हैं, अनेक आश्वासन भी देते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं सत्ता में आ जाते हैं तो लोगों से उनकी समस्या दूर करने की बजाय उनका फोन तक उठाना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो जी, नेताओं का ये काम है, लेकिन मैं नेता नहीं, मैं अपने वार्ड का बेटा बनने आया हूँ, भाई बनने आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा घर का नहीं हूँ, एक किराएदार हूँ व्यक्ति हूँ और मजदूरी करके अपने घर पाला हूँ। और आज भी मैं इंडस्ट्रिया के में जॉब करता था लेकिन पार्टी ने विश्वास जात आके हमें एक टिकट दिया है, तो जो गाड़ी में BMW में कोठियों में बैठा है तो उसे क्या पता लगेगा जो नीचे क्या है।
तो उनको नीचे के स्तर का कुछ पता ही नहीं है, तो क्या काम करेंगे। मैं अपने आपको बताया, जैसे फैक्ट्रियों में जॉब करता हूँ, एक गरीब घर का बच्चा हूँ, तो मुझे पता है किस किस चीज़ों के लोगों की परेशानी आ सकती है, क्या क्या दिक्कत आता है, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मैं उनके घर पर जाकर बैठूँगा, क्योंकि मैं एक किराएदार हूँ और किराएदार समझ सकता है कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है यहाँ पे। हाँ, तो इसीलिए मैं अपने आप को, मैं नेता नहीं बनना हूँ, मैं एक समाज सेवी पहले भी था, जो मेरे से जो कार्य होता था पहले भी यहीं गांव बहलाना में, मेरे कुछ कार्य है मैं गिनाना नहीं चाहता हूँ। लोग तो बहुत ही कहता है मैं कोरोना काल में लोगों को खिलाया, अरे बेवकूफ तुम खिलाया क्या, तुम तो खिला के उसे गलत कह रहे हो, जो काम किए हो दिखाया नहीं जाता है, जनता बोलता है, अपने भाई बंधु बोलेगा, जो रियल में ये कुछ किया है, सच में ये कुछ बात किया है तो अच्छा है। आप बार बार, बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ जो अपने आप को नेता कहता है, वो कहता है मैं कोरोना में इतने घर में ये किया ऐसे किया, अरे उस टाइम आपदा आया था, अगर आपके पास रिचुअल ने कुछ दिया था तो आप समाज में आए थे। अगर आप अपने आप को कह के अपने आप पे मैं आ गया तो मैं आया तो रावण भी खत्म हो जाता है और कांग्रेस बीजेपी तो पहले ही खत्म हो चुका है जी। अगर बात की जाए आपके विपक्षी पार्टी बीजेपी की, तो बीजेपी का ये कहना है कि जो आप पार्टी वादे कर रही है उनके वादे खोखले नजर आएंगे आपको कुछ टाइम बाद, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, वो घबरा गए हैं, उनकी संतुलन खराब हो चुकी होगी मेरे ख्याल। उनको आप भी पूछना, क्या दिल्ली में भी वो वादे करके ही आए होंगे? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, क्या दिल्ली में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया? उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया? दिल्ली में पानी फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, लोगों के शिक्षा के लिए तरह तरह की योजनाएं, और जहाँ तक यहाँ की सरकार से पूछा जाता है, रोजगार नहीं है। तो दिल्ली में आपको पता होगा, हमारे स्कूल में ही बच्चों के रोजगार के लिए नहीं कहता, कहता खुद ऐसा बनो जो आप दूसरे को रोजगार दो। तो वहाँ पे स्कूल में ही उन्होंने एक तरह तरह के प्रोजेक्ट लगाया, और उस प्रोजेक्ट से उन्होंने वहाँ पे उनको जैसे भी करके उसके सैलरी हिसाब से समझ लो, उनकी काम के हिसाब से दिया जाता है, वो प्रोजेक्ट आगे पास होती है और लोगों के बीच लेके जाया जाता है। तो आज से ही सरकार हमारे दिल्ली में बच्चों को रोजगार देने का नहीं, वो खुद ऐसा स्टूडेंट है और वो भविष्य है हमारे बच्चे, जो दूसरे को रोजगार देगा। मैं अपने भाइयों से अपील करना चाहूँगा, संदेश देना नहीं चाहूँगा, मैं राजेश कुमार चौधरी, आप हमें जिताओ, हम आपके बच्चे हैं और बड़े ही गरीब परिवार से हैं। लोग आपको चंद लोग कुछ कुछ कह के, बड़े हमारे भाई बंधु देखा होगा, चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए इधर उधर हो जाता है, लेकिन मैं उनको मजबूरी समझ सकता हूँ। कोई कोई ऐसे किराएदार हैं जो डराया धमकाया जाता है, लेकिन ये फूट लोकतंत्र की हत्या है। मैं बोलूँगा आप ठीक है उनसे रहो, लेकिन लोकतंत्र की हत्या जो कर रहा है ये पार्टी, जो बड़ी पार्टी है, ऐसा ना करे, क्योंकि हमारा हक ही एक होता है, मत डालना। मत से डालने से ही सरकार चेंज होती है, उनकी मत से ही भविष्य उनके बच्चे के बनेंगे और वो स्कूल बनेगा दिल्ली तरह, वो सारी सुविधाएं होंगी। राजेश जी, बहलाना के अंदर और हल्लू माजरा के अंदर क्या मुख्य कारण वो हैं मुद्दे जो आप जीतने के बाद करवाएंगे? बताया था मैडम से, बात हुई थी। पहला तो मैं आज, जैसे कि तीन वादे बता दीजिए आप अपने पूरे। तीन वादे में पहला मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला वादा कराऊंगा पानी का समस्या का, जो दिन प्रतिदिन पानी यहाँ पे गंदा आता है जी, और हमारे दीप कॉम्प्लेक्स के जो परिवार हैं काफ़ी परेशान हैं, और यहाँ की बिजली और पानी गंदा आता है, और दूसरी बात बिजली के पानी के बिल से परेशान है। दूसरा, रोज़ यहाँ कहीं ना कहीं सीवरेज जाम होता है, उसको देखा जाएगा। उस सीवरेज के लिए बेशक मुझे खुद तार से सफाई करना पड़े, मैडम मैं आपको कह के जाता हूँ, मैं खुद कह दिया, मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, मुझे काम करने में कोई चीज़ में शर्म नहीं है, मैं खुद सफाई करने में उनके साथ लग जाऊँगा और उस चीज़ सफाई कराऊँगा। तीसरी, भाई बताया तो स्कूल से मुझे बड़ा दुख होता है, जिस वार्ड से मैं लड़ रहा हूँ उस स्कूल के करूँगा, वहीं कूड़े कचरे लगे हैं और वहीं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो स्कूल अच्छा हो ताकि हम लोग को भी आके 35 वार्ड में अपने आप को गर्व हो, जो किसी वार्ड का मैं पार्षद था और पार्षद हूँ और उस वार्ड का नाम हो रहा है। तो मैं फिर से कहूँगा जो इस वार्ड के लिए मैं ये कार्य करूँगा। बाकी केजरीवाल जी हमें तरह तरह के जो दे रहे हैं दिल्ली में, वो चीज़ हम लोग लगवाएंगे, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा महिलाओं के लिए, स्ट्रीट लाइट, आज तीसरी गारंटी आई है, उस गारंटी को भी हम अपने पब्लिक में ले जाएंगे, अपने भाइयों को बताएंगे। जैसे आपको पहले बताया 20,000 लीटर पानी पहला गारंटी था हमारा, क्योंकि लोग वादा करता है नेता, हमारे नेता नहीं, हम लोग गारंटी देते हैं और गारंटी के हिसाब से आज तक दिल्ली में कार्य हुआ है और गारंटी से हम कार्य करेंगे और गारंटी ही देंगे, वादा नहीं करेंगे। जी, जैसे कि
क्योंकि आपने सुना ही होगा कि आप पार्टी की तीसरी गारंटी भी आ चुकी है और आपने यहाँ पे इनके जो पैम्पलेट्स हैं उनमें देख लिया होगा। इसी के साथ आपको बता दें, राजेश जी का कहना है कि जो बड़ी सरकारें हैं उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और अगर ये इस वोट से जीतते हैं तो ये हर एक लोगों के घर जाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, उनका निवारण करेंगे। ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए प्रकाश टीवी पर। मैं अवनी चौधरी, कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।